वैसे तो आप बहुत सी जगह घूमे होंगे, हर जगह की खूबसूरती का मजा लिया होगा, लेकिन आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां न कोई सड़क है न ही कोई गाड़ी, लेकिन इस जगह की सुंदरता को देखते ही आप इस जगह की सुंदरता में खो जाएंगे। यहाँ की हर बात खास है और यही वजह है ये अपनी तरफ लोगों को खींचती है। नीदरलैंड में गियेथुर नाम का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसे दक्षिण का वेनिस या नीदरलैंड का वेनिस भी कहा जाता है। नीदरलैंड के इस खूबसूरत गांव की स्थापना 1230 में हुई थी। यहाँ इतना पानी 1170 में आई एक भयंकर बाढ़ से आया था। धीरे धीरे लोगों ने यहाँ नहर बनानी शुरू कर दी। तब शायद किसी को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि नहरों के कारण यह जगह दुनिया के नक्शे पर खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में छा जाएगी। यहाँ से कुल 7.5 किलोमीटर लंबी नहरें निकलती है। वर्ष 1958 में डच कॉमेडी फिल्म फैनफेयर की शूटिंग यहाँ होने के कारण गियेथुर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। यहाँ एक भी सड़क नहीं है जिससे आपको यहाँ न गाड़ी देखने को मिलेगी और न बाइक, जिसके चलते कुछ लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे पुल भी बना लिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर से नाव चलती है और इसी के जरिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यदि इस जगह आपको कहीं भी जाना हो तो आप बोट से ही जा सकते। इस जगह का शुरुआती नाम गेटेनहॉर्न था, जिसका मतलब होता है बकरियों के सिंह। बाद में इसका नाम गियेथुर रखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 180 से भी ज्यादा पुल है। यहाँ पर कुछ घर 18वीं शताब्दी के भी बने हुए हैं। हर साल यहाँ 2 लाख से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। इस तरह ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है।